हे गाइस, वेलकम बैक टू इल्यूमिनाटी वेंचर्स, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं एक से बढ़के एक धांसू टनाटन ब्रांड न्यू प्रॉपर्टीज। आज मैं जिस प्रॉपर्टी में आया हूं, ये डीएलएफ फेज वन में 300 यार्ड्स की प्रॉपर्टी है और इतनी बढ़िया ऑप्टिमल अमेजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस है। मैं आपको आराम से प्रॉपर्टी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे एक अच्छी इंटेंशन डिलीवर करी जाती है इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट। ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। चीज़ लाजवाब है। 300 यार्ड्स एक बहुत बढ़िया एस्पिरेशनल साइज़ होता है एक घर में रहने के लिए। एंड अगर आप एक अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो भाई ऊपर नंबर तो दिया हमेशा रहता ही है, फ़ोन कर लो, आ जाओ, धांसू डील्स देख लो और बढ़िया से बढ़िया टॉप नॉच प्रॉपर्टीज़ डीएलएफ 124 की एक बारी हमारे थ्रू देख के जाओ। मज़ा ना जाए तो बताना। इतने क्लाइंट्स हमको इतना प्यार देते हैं, थैंक्स टू यू पीपल जो आप देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कर दो वीडियो अगर आपको पसंद आए, और अगर ना पसंद आए तो भी बता देना कमेंट्स में क्या पसंद नहीं आया। ठीक है, ऑन दैट गुड नोट लेट्स गो, आई स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। आपको वेलकम करता है बड़ा ही सुंदर ये स्मार्ट सा दरवाज़ा, पीयू और पॉलिशेस में फिनिश्ड है। माइगेट का इसमें होम ऑटोमेशन, सॉरी ऑटोमेशन एंट्री का लगा हुआ है, वही फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह वाला फिंगरप्रिंट एक्सेस कार्ड वगैरह। एंटर करते ही आपको वेलकम करता है ये बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम, जिसमें डक्टेबल एसी सारे में चल रहा है, बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज़ है। यहाँ पे एक बुक मैच्ड वर्क हो रखा है तो टाइलिंग में ये एक बहुत बढ़िया पीओपी का काम हो रखा है। वॉल्स काबिले तारीफ हैं, बहुत ही सुंदर है। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज एब्सोल्युटली वाइट, प्लेन ऑफ वाइट, मतलब जैसे कहते हैं, मेक्स इट लुक वेरी हाई एंड। एंड दिस फ्रेंच फॉलिंग का काम यहाँ पे हो रखा है, बहुत ही सही है। यहाँ पे आप अगर कोई पोर्ट्रेट्स वगैरह लगाएं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे करते हैं बहुत सुंदर लगेगा। सारे में ये डक्टेबल एसीज चलते हैं, ये फ्रंट की साइड को फेंकने के लिए, ये नीचे की साइड को फेंकने के लिए, बहुत सारा यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया है। और साथ में है एक बहुत अच्छी बालकनी। भाई इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, 300 यार्ड्स में थोड़ा सा इशू रहता है स्टोरेज को लेके, थोड़ा सा, क्योंकि भाई बिल्डर्स एक स्टैंडर्ड स्टोरेज ही डिलीवर करते हैं। जो ज़रूरत से ज़्यादा की स्टोरेज होती है वो आदमी को खुद या तो बनवानी पड़ती है, परचेज़ करना पड़ता है। अभी मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, एज वी स्पीक चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं फिलहाल। डीएलएफ फेज वन की प्रॉपर्टी है और ये आप देख सकते हो गेट का बड़ा इंटरेस्टिंग एक वेव सा बना हुआ है। द प्रॉपर्टी इज 99.9% फिनिश्ड, थोड़ा सा इतना सा काम रहता है, जब तक आप आओगे तब तक हम करा देंगे, ठीक है, जैसे हमारा प्रॉमिस रहता है। भाई पूरी प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं वो ये है कि एक तो इटालियन मार्बल बड़ा टॉप नॉच लेवल का लगा हुआ है, एंड बुक मैच लगा हुआ है। ये सारी जो एलुमिनियम की पार्टीशन एंड प्रोफाइलिंग है, ये येल की है, YALE, बहुत अच्छे एक बहुत बढ़िया हाई एंड ब्रांड है ये। पूरा इटालियन मार्बल में एंट्री पे ये सारे में एक बहुत ही स्टनिंग ब्यूटीफुल मोज़ेक बना हुआ है, लुक्स वेरी वेरी नाइस इफ यू आस्क मी। साथ में है चार बेडरूम्स, चारों बेडरूम्स देखेंगे क्विकली से। अब क्या है कि क्योंकि अभी काम थोड़ा थोड़ा पेंडिंग है, इसमें ना आपको मैं कई बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी दिखा सकता हूँ। दिस इज़ ऑल फिनिश्ड इन PU एंड दिस डोर्स आर, दिस इज़ फिनिश्ड इन विनियर्स एंड साइड, ये जो चौखट वगैरह है दिस इज़ ऑल फिनिश्ड इन HDHMR। एक क्विक यहाँ पर नज़र मारो, यू कैन सी द ग्रीन बोर्ड्स हेयर, दिस इज़ राइट हेयर द ग्रीन बोर्ड्स। पूरा जब फिनिश हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, अभी हम दिखा रहे हैं तो इसलिए दिख जा रहा है। इस रूम की वॉल जो है दो तरफ से पैनल्ड है विद एलुमिनियम, जिसमें कि बहुत सारी सनलाइट आने का प्रोविजन है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मेरे पीछे बेड आएगा और सामने आएगा TV। बालकनी का एक्सेस यहाँ से है और दूसरी विंडो जो है स्टिल है। इसके साथ आता है इसका वार्डरोब, सो 2 कबर्ड्स इन दिस स्मॉल बेडरूम। एंड साथ में दिस राइट हियर इज द वॉशरूम, ब्यूटिफुल वॉशरूम, दिस वर्क ऑफ हेक्सागोनल स्टाइल, बहुत मज़ेदार है। साथ में दिस वर्क ऑन द वॉल्स इज वेरी नाइस। एक हैंड शावर है विच कन्वर्ट्स इन टू अ लोअर शावर, एक ऊपर शावर है विच कन्वर्ट्स इन टू अ रेन शावर। पार्टीशन वगैरह लग जाएगा, चीज़ बड़ी टनाटन लगेगी। एंड मज़ेदार चीज़ लूँ, बैकलेट मिरर भी है, दिस इज़ राइट हियर, 3 कलर्स में चलता है, बस बढ़िया, बिल्कुल स्टैंडर्ड आइटम। फुल लेंथ मिरर भी है यहाँ पे, जिसमें कि आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। और साथ में पूरी वेल लिट अच्छी सी कबर्ड्स हैं, ऊपर डबल लॉफ्ट के साथ, यू कैन सी 1 लॉफ्ट एंड 2 लॉफ्ट। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेल अपॉइंटेड आइटम।
स्टोरेज अभी मैंने आपको एक बेडरूम की दिखाई है, बाकी बेडरूम्स को देखोगे और हैरान हो जाओगे, ध्यान से देखना। अभी यहाँ से चलेंगे, दिस इज़ द वॉकवे। इस डोर से हम एंटर कर रहे थे, इस डोर के पीछे का सारा एरिया पर्सनल एरिया, जैसे 500 यार्ड्स में होता है ना। देखो एक थॉट है, ठीक है, कि डिलीवर करनी है चीज़। ये आता है ड्राइंग रूम के साथ, इसका किचन जो कि डाइनिंग के साथ लगता है। किचन पूरा का पूरा पीओ में फिनिश्ड है। यू कैन लुक एट दिस स्टफ़, क्या बढ़िया चीज़ लगी हुई है। दिस इज सच अ नाइस लुकिंग स्टफ़। एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड इन हैटिक, दिस इज़ राइट हियर मेंशनड। द स्टेंसिल्स आर इंक्लूडेड। ये सारा ड्रॉर्स की साइड है, ये सारा कबर्ड्स की साइड है। और इंटरेस्टिंग बिट्स आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द किचन सिंक। इसमें एक तो एक ग्लास, ग्लास को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो पानी आता है। अभी प्रेस नहीं करूँगा नहीं तो पूरा भीग जाऊँगा। दिस इज़ अ पुलेबल टैप, दिस इज़ अ वाटर कनेक्शन, वर्क्स समथिंग लाइक दिस। इधर से पानी ला सकते हैं और वगैरह वगैरह, यहाँ से पानी आ सकता है। सो इंटरेस्टिंग स्टफ़, ठीक है। यहाँ पे स्टोव, सोप डिस्पेंसर है, आटा ट्रॉली है, और सारी यहाँ पे विकर बास्केट्स लगी हुई हैं, प्याज टमाटर टाइप का आइटम। बेसिकली किचन बड़ी वेल अपॉइंटेड है, अच्छे साइज़ की है। इसमें एक ये जिसे कहते हैं डेक रोल टाइप की चीज़ भी लगी हुई है। इसमें आप अपने अप्लाइंसेस, कॉफ़ी मेकर वगैरह लगा सकते हैं। इसमें प्लग पॉइंट भी दिए हुए हैं, देन यहाँ पे भी प्लग पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका माइक्रोवेव ओटीजी आ जाएगा। अभी गैस और माइक्रोवेव ओटीजी लगाई नहीं हुई, जब आप आओगे गारंटी अभी स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि अगर लगा के रखते हैं तो कई बार गारंटी ना निकलती रहती है फिर उसके बाद, लगने के बाद से। यहाँ पे आता है इसका एक तो वॉल बहुत सुंदर है। लुक एट द वॉल, बहुत ही सुंदर वॉल है। एक फील डिलीवर करने की कोशिश करी है जो कि निकल के आ भी रही है, बहुत अच्छी फील है। यहाँ पे एक इसका गेस्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम के साथ ये वाला जो बाथरूम है, दिस कैन बी यूज्ड एज अ पाउडर रूम एज वेल एज द गेस्ट बेडरूम का साथ का बेडरूम बाथरूम सॉरी। पूरा टाइल फिनिश है एंड एग्जॉस्ट शाफ्ट, शावर एरिया सब कुछ टनाटन है। सारी चीज़ें इसमें अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड ग्रो है, इस टाइप की चीज़ें लगी हुई हैं। बेसिकली बिल्कुल स्टैंडर्ड की आइटम्स हैं, बहुत बढ़िया स्टफ़ है। द थिंग इज एग्जीक्यूटेड वेरी नाइसली, स्पेशली दिस वॉल, आई रियली लाइक दिस वॉल। आपके घर में गेस्ट आएंगे बहुत पसंद करेंगे इस चीज़ को। अब ध्यान से देखना, ये इस घर का सबसे छोटा रूम है। 300 यार्ड्स में एक रूम ऐसा होता है जिसमें कि जो बैल्कनी के साथ नहीं होता, बीच में होता है वो रूम। इस रूम में जस्ट लुक एट दिस, एक बारी नज़र मार के देखो क्या चीज़ बना के दी है। सच अ ब्यूटिफुल वर्क, डबल लॉफ्ट्स, सॉफ्ट क्लोज में पीयू के साथ एंड पूरा गोल्डन फिनिश के हैंडल्स के साथ। आई मीन देख रहे हो, 1500 रुपये फुट के ऊपर का काम इज डिलीवर्ड हियर। सच अ ब्यूटिफुल वर्क। एंड इस पर आप चाहो तो नीचे भी हैंगिंग ले सकते हो, ऊपर भी हैंगिंग ले सकते हो। कॉम्बिनेशन अलमारी के अंदर का आपके ऊपर छोड़ा, आप क्या चाहते हो। देन देर इज दिस बेड वॉल, दिस इज फिनिश्ड इन अ वेरी 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 नाइस कलर वॉलपेपर। और इसकी फ्लैटनेस, जितना ये वॉल फ्लैट है आई कॉन्ट टेल यू, आप आके देखेंगे। एक एक वॉल फ्लॉलेसली एग्जीक्यूटेड है। बेड साइड पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सी टाइप चार्जर, ए टाइप चार्जर, पूरी रूम का कंट्रोलर और साथ में प्लग्स वगैरह के कंट्रोल्स बेड साइड पे दिए हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये जो है ना आपको हर बेड साइड पे मिलेगा। मैं हर रूम पे फोकस नहीं करूँगा, बट हर बेड साइड पे प्लग पॉइंट्स, होम ऑटोमेशन के स्विचेस विच आर राइट हियर लाइक दिस, ठीक है। दीज आर ऑल होम ऑटोमेशन स्विचेस, ऑन ऑफ बिल्कुल टच से होते हैं। मतलब एक इंटेंशन, एक फ़ैन को आप देखोगे, द स्टफ़ इज़ सो नाइस। मतलब 25,000 के पंखे लगाने में पॉइंट नहीं है, जो कि चीज़ 3,500 में आ सकती है, आप समझ लो। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगले ने देना है, उसने आपसे बिना पूछे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर डिलीवर किया है। सारी वॉल्स जो हैं वॉशेबल हैं और बहुत अच्छी, जैसे वेलवेट टच जिसे कहते हैं, दैट्स व्हाट इट इज़ अप्लाइड, जनरली वही अप्लाई होता है यहाँ पे। साथ में है बाकी के दो बेडरूम्स, दिस इज़ बेडरूम नंबर 3, एक आगे दिखा दिया, एक आपको अभी दिखा दिया, दिस इज़ बेडरूम नंबर 3। यहाँ पे इसका कुछ तो एक बेड आता है, साथ में अंदर बहुत सारी वॉक इन क्लॉजेट है। सामने इसका टीवी का पॉइंट है। एसीज आपको तब लग के मिलेंगे जब आप घर परचेज कर लेंगे, क्योंकि वही गारंटी वाला सीन है। अब ध्यान से देखो ये, ठीक है, उस रूम में मैंने आपको सबसे छोटे रूम में कितनी स्टोरेज दिखाई। दिस अगेन इज
अलमारी 1, अलमारी 2, अलमारी 3 एंड अलमारी 4, चार कबर्ड्स एंड जस्ट लुक एट द साइजिंग ऑफ दीज कबर्ड्स। अभी देखो हल्का सा डस्टी है क्योंकि ये फिनिश होना है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट देखो 99.9% प्रॉपर्टी कंप्लीट है। इसमें कोई सिविल का काम नहीं बचा हुआ, देयर इज नो सिविल वर्क रिमेनिंग, व्हाट रिमेन्स इज बेसिकली फिनिशिंग का काम। इस बाथरूम में, इस बेडरूम के बाथरूम में लेज आपको बनी हुई मिलती है, साथ में एक हैंड शावर लगा मिलता है। दिस इज ऑफ ग्रोहे और सेम ग्रोहे का ही फिटिंग ऊपर भी है रेन शावर का। यहाँ पे आपके सोप्स एंड डिशेस आ जाएंगी, बिल्कुल बहुत ही क्लीन जगह है, वेरी वेरी क्लीन स्टफ। द बोल इज ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, द WC इज ऑफ ग्रोहे। बेसिकली एवरी आइटम इज वेरी वेरी नीट एंड वेरी स्टाइलिश जो घर में लगी हुई है। द कलर पैलेट इज माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा कलर पैलेट है। अच्छा ये देखो, इस रूम में आए हैं, अभी इस रूम का दरवाज़ा नहीं लगा है, यू कैन सी दी HDHMR जिसमें कभी दीमक नहीं लगती, पानी नहीं पकड़ता, नमी नहीं पकड़ता, ख़राब नहीं होता, सब समझो। ये चीज़ें एक डिलीवर करने की बात होती है। इस रूम की कबर्ड पे एक नज़र मारो आप, ये सारी वॉल एक कबर्ड है। दिस इज़ सो स्टाइलिशली एग्जीक्यूटेड, मतलब मज़ा आ गया देख के, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। आप खुद एक नज़र मारो, दिस इज़ ब्यूटिफुल स्टफ। यहाँ पे बेड साइड इसकी वॉल है, इसमें भी यही ब्रास की फिनिशिंग दी है। बिटवीन द स्विचेस आपका बेड आता है, हर बेड के अगेंस्ट वही सी टाइप चार्जर्स लगे हुए हैं एंड सारे रूम के कंट्रोलर्स बेड साइड पे दिए हुए हैं, प्लस अलग से भी दिए हुए हैं। साथ में आता है इसका वॉशरूम, सो बेसिकली दिस इज़ द फोर्थ बेडरूम एंड द फोर्थ वॉशरूम। दिस राइट हियर विद अ बैकलिट मिरर एंड अ वेरी नाइस शावर एरिया। इसमें भी आप देख सकते हो बहुत सुंदर ऊपर से लिट नीशेस बना रखी हैं, बहुत बढ़िया काम हो रखा है। आप एक बार ही आएंगे, अगर 300 गज का आपका प्रेफरेंस है, देखो आपका बजट आज की डेट में 4-5 करोड़ के बीच में होना चाहिए अगर आपको 300 गज क्लोज करना है तो, और DLF क्लोज करना है विज सुशांत लोग, तो हल्का सा ऊपर बजट और चाहिए। इसमें चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं, अपर ग्राउंड के साथ नीचे एक बहुत बढ़िया हॉल मिलेगा और टॉप फ्लोर के साथ तो ऑफकोर्स टेरिस मिलेगा ही मिलेगा। हैविंग सेड दैट, इस प्रॉपर्टी पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जाल भी एग्जीक्यूटेड है और ये जाल पूरा का पूरा पाइप से बना है, मतलब इसके सारे फर्श जो हैं पूरे पाइप की रिब है और पाइप की ही फर्श है, मतलब टनाटन चीज़ है और ज़ीरो वाइब्रेशन आइटम है। आप जब आएंगे आप देखेंगे इसके साइज़ को गाइस, मतलब आई कांट रीट्रेट इनफ कि इतनी बढ़िया चीज़ जो डिलीवर हो रखी है इस टाइम पर, आके देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। आइटम में चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं इस बिल्डिंग में, अपर ग्राउंड के साथ एक बढ़िया हॉल, टॉप के साथ टेरेस, मिडिल फ्लोर के साथ तो एग्जैक्टली यही वाला घर मिलेगा जो दिखाया। मैं अभी नीचे का हॉल और ऊपर का टेरेस शूट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज भाई जब आओगे तब देख लेना। प्रॉपर्टी में ओवरऑल लुक एंड फील एक काफ़ी हाई एंड लेवल की डिलीवर्ड है, आपको मज़ा बहुत आएगा इसको देख के। अगर आप अपने लिए एक अपना एक घर ढूंढ रहे हो एंड बहुत एक जिसे कहते हैं ना मेहनत का पैसा है, मैं कभी नहीं कोशिश करता कि ओरिजिनल बुकिंग की तरफ जाऊं कि भाई पैसे आज दो घर मिलेगा 3-4-5 साल बाद, या एक बहुत ही ओवर हाई प्राइस की चीज़ें ढूंढ के लेके आऊं आपके लिए कि भाई देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। उससे होता ही है व्यूज़ मिलते हैं, बट डील्स, एक्चुअल डील्स नहीं दी जाती हैं। कोई ब्रोकर आपको कभी भी डील्स नहीं देगा। अगर आप एक्चुअली अपने लिए घर ढूंढ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हम बहुत मेहनत करके डील्स ढूंढते हैं मार्केट में, और अगर आपके बजट में ये प्रॉपर्टीज़ बैठती हैं, इनसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी नहीं जो मैं अपने चैनल पे ऑफ़र कर रहा होता हूँ। ऑन दैट गुड नोट, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है या अगर आप ढूंढ रहे हो तो उसको ये प्रॉपर्टी, ये वीडियो शेयर कर दो, और जब भी आपको मन करे प्लीज़ ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करो और मुझसे पूछो कि क्या एग्जिस्टिंग डील्स हैं मार्केट की। आई विल लेट यू नो, जिस बजट में जो चीज़ ढूंढ रहे हो, चाहे वो बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ हो, अभी पीछे मैंने 360 यार्ड्स की एक प्रॉपर्टी, मानोगे नहीं, 4.25 के बजट के अराउंड क्लोज करी समझ रहे हो बात को, वो आपके लिए भी क्लोज हो सकती हैं। एक 560 का 500 यार्ड्स की प्रॉपर्टी है सुशांत लोक में, वो अभी भी अवेलेबल है। ये वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं अवेलेबल, अभी जब तक वो बिक नहीं जाती किसी की तो लॉटरी लगने वाली है, जो इन वीडियोस को देख रहा है और आएगा और अपनी बढ़िया से लाइफ टाइम के लिए एक बढ़िया चीज़ लेके जाएगा, बेस्ट प्राइस पे, टॉप क्लास प्राइस पे, बढ़िया प्रॉपर्टी, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको दिला के ही मानूंगा। ठीक है, ऑन दैट गुड नोट, दिस इज रंजन कपूर फ्रॉम इल्यूमिनाटी वेंचर्स, अनलेस अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। चीयर्स।